पाए और आप उसको और अच्छे से सुन पाए। किया था वहां से लेकर आज तक हर दिन मैं इंतजार कर रहा था उस घड़ी का, उस पल का, कब आएगा मेरा लाइफ का ये ऐतिहासिक दिन। साथियों, बहुत इंतजार करने का बाद साथियों आज का दिन, आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। रियली साथियों दिल से बोल रहा हूँ, भगवान को बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मंजिल पर पहुंचा दिया। और इसका साथ साथ में साथियों, एक दिन मैंने जीरो था और कुछ नहीं पता था इस बिजनेस का बारे में, लेकिन साथियों जो व्यक्ति ऐसा कि व्यक्ति जो कि ऊपर में भगवान है, मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन साथियों हमारा बीच में मेरे लिए ऐसा एक भगवान है जिन्होंने मेरा अंगुली पकड़कर मुझे बताया, चलाना सिखाया इस टाइप्स ऑफ बिजनेस में मैं कैसे सफल बनूं। हर कदम, हर लेवल पर, हर जगह पर मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताया। जो व्यक्ति मेरे लिए अनजान था, ना मेरा जात वाला था, ना मेरा गांव वाला था, साथियों वही व्यक्ति आज यूं बोलूं वो मेरे लिए भगवान है, मेरा रोल मॉडल, मेरा गुरु, मेरा मार्गदर्शक। वही व्यक्ति साथियों और कोई नहीं है, हमारा बीच में उपस्थित है मेरा गुरु, मेरा महामेंटर मिस्टर के सुमा शंकर जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, मुझे हल्ला बोलते जोरदार। थैंक यू वेरी मच। उसका साथ में हमारा महागुरु मिस्टर विकास कुमार यादव जी और जसवीर महागुरु जी एंड ऑल डायमंड्स लीडर एंड मेरा प्यारा सा लवली टीम, मेरा प्यारा सा टीम है। थैंक यू साथियों, आप लोग के वजह से, आप लोग का आशीर्वाद से मैंने आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और साथियों आप लोग की कड़ी मेहनत से साथियों एक काबिल मुझे आज बनाया है। साथियों माय नेम प्रदीप कुमार साहू, विलेज रंपाकोट, पोस्ट ऑफिस पिठावड़ा, पुलिस स्टेशन हरिचंदनपुर, डिस्ट्रिक्ट केउंझर, स्टेट उड़ीसा का रहने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। साथियों एक छोटा सा गांव में मैंने पैदा हुआ और जैसे मैंने पैदा हुआ मेरा पढ़ाई एजुकेशन की शुरुआत हुआ। गांव में मैंने एक से क्लास तक मैंने एजुकेशन किया, उसका बाद मेरा गांव का बगल वाला गांव में मैंने हाई स्कूल की पास किया, उसका बाद सेकेंड पीयूसी कंप्लीट किया था। क्या करूं, मैं चाहता था ट्रेनिंग लेने के लिए लेकिन मेरा बड़ी साथ नहीं देता था, तीन बार मेहनत करके आता था। पता नहीं समूह गुरु जी वो दिन सोचते होंगे कि साहू बेकार, इसको यार क्यों आ रहा है, सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन क्या करूं, मेरा मन होता था, हर फ्राइडे में जाता था। जाने का बाद साथियों मैंने सीखा थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे नॉलेज आया, महापुरुष ने बताया ऐसे ऐसे करना, ऐसा ऐसा करना। साथियों रियलिटी मैंने जिस बिजनेस उसका बाद शुरुआत किया, साथियों मेरा पास फोल्डर था, उसी फोल्डर में दो चार लोगों को मैंने प्लान समझाया। साथियों पहला चेक आया था 4,900, जिस दिन मिला साथियों रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा रूम पे चार लड़के रहते थे। थैंक यू साथियों, उनको मैंने 2,000 रुपए का पार्टी दे दिया, लियो यार खाओ, तुम लोग ऐस करो। थैंक यू इसीलिए दिया क्योंकि मैंने बोला भैया आज से मेरा शुरुआत हो गया करोड़पति बनने का। और वो चार दोस्त को मैंने बोला आज का बाद, आज से 3 से 4 साल का बाद आप लोग मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा, और आप लोग मुझे देखना चाहोगे साथियों आपको 1,000 का टिकट लेके आना पड़ेगा मुझे देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों उसी दिन मैंने ड्रीम देखा था, तो आप बताइए मेरा सपना पूरा हुआ नहीं हुआ। साथियों उसी दिन का बाद आंख बंद करके शुरुआत कर दिया बिजनेस, जो भी मेरे आंखों का सामने आया, चाहे बंगाली हो, कनाडा हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, राजस्थान, एनी बॉडी कोई भी हो, थैंक यू वेरी मच, जो भी मेरे आंखों का सामने मिला साथियों सिर्फ सबका बारे में बताया और ज्वाइन कराया। उसका बाद साथियों अच्छा लगा कि बहुत अच्छा, डायमंड बनेंगे साथियों। एक बार अपना अपना जगह पर खड़ा हो जाइए साथियों, मुट्ठी बांध लीजिए।
आज जो भी कमिटमेंट करते साथियों, मैं तीन बार बोलूंगा आया मैं डायमंड, आप लोगों को बोलना है। उसके बाद साथियों मैं यहां से विदा लूंगा, साथियों मैं बोलना हूं आया मैं।